हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं निधि अग्रवाल और मैं भी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ और पिछले 20 सालों से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं जिसकी आज हम आपसे बात करेंगे। इनफैक्ट निधि, हम लोगों को 24 साल हो गए हैं और ये जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को एक्चुअली में बहुत प्राउड फील होता है। तो ये जर्नी जो एमवे सक्सेस स्टोरी है मेरी, ये लगभग 24 साल पुरानी। 24 साल पहले हम लोगों ने इस बिजनेस को देखा था, जिस बिजनेस में आज आप लोग किसी फेथ को ढूंढ रहे हो, बिलीफ को ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हो कि ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, आप इसमें कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, सवाल सिर्फ इतना है कि आप इसमें अपने आप को फिटिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए काम नहीं करोगे या पसीना बहाने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर हार बहुत जल्दी मान जाओगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव मेरे दोस्तों नहीं हो पाएगा। तो कहानी अगर मैं अपनी शुरू करूं और इस बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल प्रोग्राम में जाऊं या अपनी सक्सेस स्टोरी जो आप सुनने में इंटरेस्टेड हो उसके बारे में आपसे बात करूं, तो 24 साल मिले मेरी उम्र लगभग 20.5-21 साल मान लीजिए, और तब इस बिजनेस की शुरुआत की थी हम लोगों ने। मैं कॉलेज में था, MBA कॉलेज में, और वहीं पर बाय द वे मेरी मुलाकात निधि से भी हुई थी और हम लोगों ने डिसाइड किया, पहले दोस्त थे और फिर डिसाइड किया कि साथ में रहेंगे लाइफ टाइम और एक परिवार को लेकर एक लाइफ टाइम हम लोग जिंदगी बिताएंगे, बड़ी खूबसूरत जिंदगी बिताएंगे। बट लाइफ इतनी स्ट्रेट नहीं होती है जितना हम लोग सोचते हैं, इसमें चैलेंज होते हैं, इसमें कठिनाइयां होती हैं और उन कठिनाइयों को आपको झेल के एक विजेता बनना होता है, तभी लाइफ आगे बढ़ती है। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं MBA कॉलेज की स्टोरी से, तो मैं एक बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं और निधि आई है एक रिच फैमिली से। सो हमारी MBA स्टोरी है, एक सक्सेस स्टोरी तो है, एक लव स्टोरी भी है। सो एनीवे, जब मैं MBA कर रहा था तो उसके फोर्थ सेमेस्टर में मैंने इस बिजनेस को देखा था देहरादून में, सहजधारा में, किसी अमेरिकन के थ्रू। ये अमेरिकन लगभग 70 साल की उम्र में थे और लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, ये अपना 35th या 40th हनीमून मना रहे थे इंडिया में, देहरादून में, सहजधारा में। तो ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये कपल लाइफ में कितना अचीव कर चुका है कि हनीमून मना रहा है अपना 35th या 40th, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसकी सक्सेस का राज क्या है, ये बात मेरे अंदर आई और जब मैंने उससे बात किया तब उसके आंसर में उन्होंने मुझे इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि हमने लाइफ में एक काम बहुत अच्छा किया है, वो ये कि हम लोगों ने एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया, उसको बिल्ड किया और उसका फायदा हम लोगों को ये मिला कि आज हम लोग दुनिया भर में घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। एमवे को बिल्ड करने में हमने 5-10 साल बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत सीरियस टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद ये बिजनेस हमारा इतना बड़ा हो गया कि ये सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि हमारी आज की डेट में नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है और एंजॉय कर रही है। तो ये सब जब मैंने सुना तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज एज ए मिडिल क्लास बॉय मेरे को कोई आइडिया नहीं था बिजनेस का, बिजनेस की दुनिया का। MBA कर रहा था लेकिन MBA का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे करने के बाद कैंपस में जॉब्स के लिए कंपनीज आती हैं और आपको एक्चुअली में एक एम्प्लॉय बनना होता है। जबकि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का रियल मतलब अगर निकले तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। MBA का अगर रियल मीनिंग समझना है तो मुझे बेचना आता है, लेकिन ये मीनिंग नहीं पता था। एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो रियल मीनिंग था वो हम लोगों को नहीं मालूम था। सो कहानी बड़ी ट्विस्टेड थी। तो जब मैंने इस पर्सन से पूछा 70 साल वाले कि ये क्या पॉसिबल है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो उन्होंने बोला हाँ टाइम बहुत राइट है जब आप पूछ रहे हो, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में एंट्री ले रही है। तो दोस्तों ये उस समय की बात है, आज से 24 साल पहले 1998 की, जब ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस इंडिया में सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर मैं अपनी स्टोरी को बहुत डिटेल में बताऊं, आल दो समय की पाबंदी है, तो आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में, बिकॉज आज का दिन जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से बिजनेस बिल्ड करते हो, मेरा समय और निधि का समय वो था जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की। सो आज के दिन जहां आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस करते हैं, तो उस जमाने में फेसबुक इंस्टाग्राम को तो गोली मारो यारो, मोबाइल फोन नहीं होता था और पेजर सिर्फ और सिर्फ लॉन्च हुआ था, वहां से हम लोगों की शुरुआत हुई थी।
मेरे घर में तो खैर टेलीफोन भी नहीं था, तो एसटीडी बूथ्स पे जाके मैंने बिजनेस को बिल्ड किया है। तो ये उस समय की बात है, तो थोड़ा थोड़ा आपको शायद कोरिलेट करना मुश्किल भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आप ये समझ सकते हैं कि आज जब आप ये सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो तो बिजनेस बिल्ड करना कितना स्मूथ, इजी और आसान हो गया है। और उसके बाद सक्सेस कभी रुकी नहीं। आज के डेट में तो हम लोगों का एमवे में एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है कि एमवे अगर इतना टर्नओवर करता है तो हमारा क्या टर्नओवर होता है। सो ये थी एक स्टोरी जो शुरुआत हुई कॉलेज से, एमबीए कैंपस से, और पहुंच गई बहुत बड़े टर्नओवर पे। लेकिन स्टोरी सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उसके पीछे की जो डेप्थ होती है वो अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो शायद वो आपके डेली लाइफ को इंस्पायर कर सकेगी। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुआ। एक घर, दो कमरे, एक कमरा किराए पे हम लोग देते थे और दूसरे कमरे में हम फैमिली के सात लोग रहते थे। मदर, फादर, चार मेरी सिस्टर और मैं सबसे छोटा लड़का। बनिया फैमिली, फादर गवर्नमेंट ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर, लेकिन जरूरत से ज्यादा ईमानदार। तो एटलस गोल्ड लाइन सुपर शान की सवारी हाईएस्ट व्हीकल था मेरे घर में जो था। और कैसे एक किलो दूध में पूरे घर गृहस्थी को चलाया जाता है और अगर कभी कोई मेहमान आ जाए तो उसको भी उसी में मैनेज किया जाता है, ये सब मैंने देखा है। इसलिए अगर आप में से किसी को ये लगता हो कि यार ये लोग जो बोल रहे हैं ना, इन्होंने इनको नहीं मालूम कि प्राइस क्या होता है, इनको नहीं मालूम पेन क्या होता है, ये पहले ही दिन से बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, इनके पास सब गोल्ड की स्पूंस रही हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने वो सब चीजें देखी हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर भूख है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। मेरी फैमिली के जो प्रिंसिपल थे वो बड़े सिंपल थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जबकि लाइफ में कुछ और ही होने लगा, समय बड़ी तेजी से चेंज होने लगा। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे तो ट्रेन से आते थे जाते थे, एंड दैट वॉज अ लाइफ, दैट वॉज अ लाइफ जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की। और अगर मैं बड़ी स्टोरी को छोटा करने की कोशिश करूं तो जब 1998 में इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की तो जैसा मैंने बोला कि मेरे पास एटलस गोल्ड लाइन सुपर शान की सवारी होती थी कॉलेज जाने के लिए, बाकी सब लड़के या तो गाड़ियों से आते थे या बाइक से आते थे, मेरे पास तो सिर्फ साइकिल हुआ करती थी, तो मैं पैदल जाता था। लोग पूछते थे कि तुम पैदल क्यों आते हो, तो मैं बोलता था मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं। मिडिल क्लास झूठ बोलना सीख लेता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और ये बहुत बड़ी चीज है, ये होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि मिडिल क्लास से ज्यादा हिम्मती आदमी नहीं होता है, और इसीलिए जब मिडिल क्लास को मौका मिलता है चौका या छक्का मारने का तो वो बहुत बड़ा चौका या छक्का मारता है। और मैंने भी वो किया जब ये बिजनेस मुझे मिला, बिकॉज एमबीए कॉलेज में मेरी मुलाकात हुई निधि से। आप समझ लो मेरे पास तो एक जींस, दो टी शर्ट थी, इनके घर में 14 गाड़ियां थी, 7 लड़कियां 14 गाड़ियां, इंडस्ट्रियस फैमिली की लड़की। मेरे पास तो इतने कपड़े नहीं होते थे जितने इनके पास ड्राइवर होते थे, तो ये बड़ा बड़ा बॉलीवुड टाइप कॉम्बिनेशन था, लेकिन ब्लाइंड कॉम्बिनेशन नहीं था। वो भी बहुत एम्बिशियस है, मैं भी बहुत एम्बिशियस हूं, और लाइफ में कुछ एबनॉर्मल करना था। कहां से आए हो, कहां हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भूख कितनी बड़ी है, आगे की जिंदगी कैसे बितानी है और कहां जाना है, कहां पहुंचना है, इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और ये बात कहते हुए मुझे अपने लिए प्राउड है कि मैं बहुत हंग्री हूं, बहुत ज्यादा हंग्री हूं। जितना पैशनेट, जितना हंगर, जितना एम्बिशन मेरे अंदर आज से 24 साल पहले था, आज उससे भी डबल ट्रिपल है। और ये बात मुझे अपने बारे में बहुत अच्छी लगती है, और इस बात ने मुझे बहुत पे किया है आगे ले जाने में। देखिए, फैमिली से आपको डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड मिल सकते हैं, जिस जगह पैदा हुए हो, आपके यारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से आपको डिफरेंट परसेप्शन मिल सकती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर का म्यूजिक क्या है, आपके अंदर वाइब्रेशन क्या चल रही है, जिस वाइब्रेशन को लेके आपने अंदर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, एक्चुअली लाइफ में चैलेंज को फेस करना है। तो मेरे साथ भी सब मिडिल क्लास टाइप लोग थे, ग्रेच्युटी फंड, पेंशन, इस टाइप की बातें हमारे घर में बहुत होती थी, लेकिन ये बातें मुझे कभी समझ नहीं आती थी। मेरे फादर बिल्कुल मिडिल क्लास सोच, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब टाइप की चीजें वो करते थे, लेकिन मेरी मदर थी रियल टाइगर, और उनका कंप्लीट एटीट्यूड मेरे अंदर ट्रांसफर हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि आई एम ए 5000% प्रोडक्ट ऑफ माई मदर, तो इसमें 1% भी कुछ गलत नहीं है। और वो हमेशा ये बोलती थी कि बेटा
मतलब आप में से कोई सरकारी जॉब कर रहा हो तो मेरे इस स्टेटमेंट को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट वो बोलती थी सरकारी जॉब मत करना, उससे बेहतर तो है कि अपनी केमिस्ट की दुकान खोल लेना, गोलगप्पे की दुकान खोल लेना, क्योंकि गोलगप्पे भी बढ़िया बनाओगे तो करोड़पति बन जाओगे। और ये बात मेरे मन में दिमाग में घुस चुकी थी कि मुझे जॉब वॉब नहीं करना, मुझे धंधेबाज बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। और दोस्तों मैं एक बार और बता दूं, 1998 जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, उस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं होता था, फैशनेबल वर्ड नहीं होता था। आज की डेट में तो आप शार्क टैंक देखते हो, इंडिया का शार्क टैंक देखते हो, एंटरप्रेन्योरशिप एक त्यौहार की तरह है इंडिया में आज की डेट में। एवरी सेकेंड पर्सन वॉन्ट्स टू बी ए एंटरप्रेन्योर। लड़का अगर जा रहा है रिश्ते के लिए तो पहले डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए था, और अगर आज वो पता चल जाए ही इज ए फाइटिंग एंटरप्रेन्योर तो उसकी रेस्पेक्ट ज्यादा होती है, बशर्ते टिपिकल जॉब क्लास ओल्ड माइंडसेट मिडिल माइंडसेट काइंड ऑफ फैमिली नहीं हो। प्रोग्रेसिव लोग एंटरप्रेन्योर ढूंढ रहे हैं, और मैं पैदाइशी माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर था और इसी चीज ने मुझे सबसे ज्यादा पे किया। सो एक मिडिल क्लास पर्सन विद ए फ्लावरिंग माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हंगर विद अ एटीट्यूड एंड विद अ वेरी फायरिंग एटीट्यूड, ये था अनुराग अग्रवाल। लेकिन जेब में पैसा नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे फैमिली की जो फैमिली इनकम थी वो थी 4,500 रुपए। ये बताने में मुझे आज बड़ा फक्र होता है। कई बार निधि बोलती है यार तुम उस टाइम की वो इनकम मत बताया करो अपने फैमिली इनकम। देखो आज हम लोग अगर सब्जी भी लेने जाते हैं ना तो मर्सिडीज बेंज में जाते हैं 70 लाख रुपए की। आज बोलने में उस 4,500 रुपए को बड़ा मजा है। देखो आप कहां हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लाइफ में करोड़पति बन गए, सक्सेसफुल हो गए ना, तो अपनी गरीबी को व्याख्यान करने में, गरीबी के बारे में बताने में, मिडिल क्लास एज के बारे में बताने में बड़ा मजा आता है। और वो सिर्फ मजा नहीं आता है, मुझे मालूम है कि मेरी इस स्टोरी से करोड़ों बच्चे, करोड़ों यूथ, लड़के लड़कियां इंस्पायर होने वाले हैं, और मेरी इस स्टोरी से लाखों करोड़ों लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप हिंदुस्तान के किस कोने में हो मुझे नहीं मालूम, आप हिंदुस्तान के बाहर किसी देश के किस कोने में हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये स्टोरी आपको टच करेगी डीपली, ये मेरी गारंटी है। और वो 4,500 रुपए की जो इनकम थी वो क्यों थी, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, 1996 में रिटायर हो गए थे और वो उनकी पेंशन थी। तो दोस्तों वहां से मेरे खेल की शुरुआत हुई थी। आज के डेट में तो एमबे ऑलमोस्ट फ्री में शुरू होता है, उस टाइम एमबे 1998 में बिजनेस जो शुरू भी होता था 4,200 रुपए लगते थे। आज की इकोनॉमी में अगर उसको बताओ तो वो पैसा बैठता है लगभग 80 से 90 हजार रुपए, और वो पैसा मुझे कलेक्ट करना था, मेरे पास था ही नहीं। उसके लिए मैंने 2 ट्यूशन किए, वो पैसा कलेक्ट किया, और इस बिजनेस का जो एक शुरुआती किट आता था, लाइसेंस नंबर आता था, वो मैंने लिया और शुरू किया, और वहां से कहानी शुरू हुई। क्रिटिसिज्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने क्रिटिसिज्म की बात करूं, फादर से लेकर फैमिली से लेकर अड़ोसी पड़ोसी से लेकर सभी तो हंसते थे, सभी हंसते थे। मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे जूनियर मेरे पे हंसते थे, मेरे सीनियर मेरे पे हंसते थे, सब हंसते थे। और लोग मुझसे पूछते हैं अनुराग आप पे कभी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, अरे यार मिडिल क्लास गरीब आदमी आप पे हंसता है, आप पे फर्क क्यों पड़ेगा, शेर पे गीदड़ हंसता है तो शेर को कभी फर्क पड़ता है। तो मैं एक्चुअली वो ही था। और कई बार लोग जब मुझे देख के बोलते हैं कि अरे आप बहुत फायर्ड अप लीडर हो, ये हो वो हो, तो अपने मुंह से तो मैं खैर क्या बोलूं, लेकिन निधि उनको बताती है कि अनुराग अग्रवाल आज ऐसे नहीं है, ये तब भी ऐसा ही था जब इसकी जेब में 5 रुपए भी नहीं होते थे। तो दोस्तों आपका एटीट्यूड टाइगर वाला होना चाहिए, तब जाके खेल टाइगर वाला पड़ेगा। दिल दिमाग जिगर अमीर है तो जेब एक दिन अमीर हो ही जाने वाली है, और उसके साथ कॉम्बिनेशन मिल जाए एमवे जैसे बिजनेस का, एमवे जैसी अपॉर्चुनिटी का। मैंने तो जिस दिन ये बिजनेस देखा, मेरे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी और सामने 110 करोड़ की पॉपुलेशन नजर आती थी। आज की डेट में जो पॉपुलेशन 140 से 150 करोड़ हो गई है। अंबानी जियो में सोची चिप सिम जिसको कार्ड बोलते हैं वो बेचता है, किसकी कीमत होती है 150-250, लेकिन उसके अंदर जो मनी सर्कुलेट होता है उसका गेम बड़ा है 140 करोड़, वो समझ आना चाहिए। और यही बात मुझे एमवे बिजनेस में नजर आ गई थी कि सूत न कपास जुलाई से लठम लठा वाली जो कहावत होती है ना कि हल्दी रंगे ना फिटकरी रंग चौकाई चोखा, तो इस बिजनेस में आप सिर्फ लाइसेंस लो और मार्केट कैप्चर करने की अगर आपके अंदर ताकत है तो आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकते हो। और देखिए अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की मसल्स डेवलप होती हैं। किसी में बहस करने की मसल बड़ी डेवलप होती है, वो बहुत अच्छी बहस कर सकता है। किसी में लड़ाई करने की मसल अच्छी होती है, वो लड़ाई करने में परफेक्ट होता है, बिना किसी सिचुएशन के भी वो लड़ाई लड़ लेगा। लोग जिम जाते हैं अपने फिजिकल मसल को डेवलप करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए याद रखिएगा आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर वाली मसल है स्ट्रांग या नहीं,
वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर जॉब की मसल स्ट्रांग है तो आप जॉब करते रह जाओगे, बिजनेस की मसल स्ट्रांग है तो बिजनेस करोगे मेरे दोस्त। तो वो मैंने किया। तो ये तो था क्रिटिसिज्म का एनवायरमेंट। इसके बाद जब आप मार्केट में बिजनेस करने जाते हो तो लोग आपको देखते हैं, और स्पेशली जब आपकी एज छोटी हो। मेरे साथ वही था, मेरी एज छोटी थी तो लोग मेरे को देखते थे। वो कभी बोलते थे कि आपकी तो अभी दाढ़ी नहीं आई, आपकी तो अभी मूछें नहीं आई, आप क्या हमको बिजनेस करना सिखाओगे? तो मैं उनको बोलता था, मेरे भाई तुम्हारी तो 20 साल पहले आ गई, इसका फिक्स डिपॉजिट तुमने किया है, कुछ किया है इसका जो मिलता है? तो कई बार लोग आपके ऊपर अपनी बोलना चाहिए एज को लेके हावी होने की कोशिश करते हैं, लोग अपने एक्सपीरियंस को, जॉब के एक्सपीरियंस को आप पे हावी करने की कोशिश करते हैं। लोग मुझसे बोलते थे जितनी तुम्हारी उम्र है बेटा 21 साल, उतना तो मुझे जॉब करते हुए हो गया, तुम हमको पैसा कमाना सिखाओगे? अरे भाई आपको जॉब करते हुए हो गया इतना टाइम, लेकिन आपको पैसा कमाने का अनुभव नहीं है। बट पीपल आर पीपल, पीपल टेक यू इन देयर फोटो फ्रेम, इन देयर मेंटल फ्रेम, द वे दे आर। सो उनकी चिंता नहीं करनी है। मैंने क्या किया, मैंने इन सब चीजों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की, बिल्कुल भी चिंता नहीं की, और एक चीज पे फोकस रखा। और वो फोकस क्या था, मेरा गोल क्या है, मेरा हंगर क्या है, मैं किस लिए इस बिजनेस में आया हूं, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे उस लायक बनना था ताकि मैं निधि के पेरेंट्स के सामने खड़ा हो सकूं। एक गरीब बच्चे की तरह नहीं, एक गरीब लड़के की तरह नहीं कि भाई हम तो प्यार करते हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी। मेरा एटीट्यूड बड़ा सिंपल था कि जब उनके घर वालों के सामने मेरी शादी का प्रपोजल जाए तो मैं कहीं स्टैंड करता हूं। कैमरा है राइट नाउ, मैं वो सारी टर्नओवर्स नहीं बोलूंगा, टाइम की लिमिटेशन है, बट मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जब हम निधि की फैमिली के सामने जाके खड़े हुए तो हमारा टर्नओवर एक कॉम्पिटिटिव टर्नओवर था, इवन विद देयर टर्नओवर। दैट्स व्हाट आई कैन से। ये सब कॉम्बिनेशन है अपॉर्चुनिटी का और एक जिगरे वाले एंटरप्रेन्योर का। तो दोस्त, अगर आपके अंदर हिम्मत है, काम कर सकते हो, तो दिस इज अ आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी जिसने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। ना सिर्फ मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, मेरे थ्रू मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, और ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। मैं बोलता भी था पहले कि पहली शुरुआत मेरी एटलस गोल्डलाइन सुपर से है, एक दिन मेरी मर्सिडीज से होगी, और आज वही दिन है जब इस बिजनेस की शुरुआत हम बड़े नए रूप में इस एमवे गुरुकुल के साथ अपनी मर्सिडीज से शुरू कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे मुकाम हासिल करेंगे, ऐसे ऐसे टर्नओवर्स क्रिएट करके दिखाएंगे कि बहुत लोग कहेंगे काश हमको भी ये बात सही समय पे समझ आ जाती। तो ये स्टोरी जो अभी आपने सुनी, इस सक्सेस स्टोरी की, ये गरीब हीरो की स्टोरी सुनी, और अब स्टोरी है हमारी अमीर हीरोइन की। उन्होंने इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया, क्यों किया, क्यों आई, क्या देखा, एंड आई कैन टेल यू पूरी एमवे कम्युनिटी में दे आर ग्रेट लीडर्स, ग्रेट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बट निधि इज निधि, निधि का कोई जवाब नहीं। सो ओवर टू निधि। Awesome, Anurag, thank you so much. And friends, ये जो एक combination है, this is totally a different combination. और इसमें आपको एक different aspect देखने के लिए मिलेगा. Yes, जब business की शुरुआत की, I was just 18 years, 18 साल की लड़की थी, young, एकदम MBA किया. Apart from this, MBA करते हुए क्या ऐसी चीज़ ने attract किया जिससे लगा कि इस business में entry लेनी चाहिए? See, मेरा background was totally different. मेरे फादर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मदर वो सिंपल हाउस लेडी, ब्रदर सिस्टर जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती थी, इंडस्ट्री फैमिली थी, तो डेफिनेटली लाइफ में गोल्ड की स्पून लेके मैं पैदा हुई, स्ट्रगल मैंने नहीं देखा। आई वॉज नॉट रियली वेरी एम्बिशियस, बट येस आई वॉज एम्बिशियस इन टर्म्स ऑफ नॉट मनी, बट इन टर्म्स ऑफ अपनी ओन आइडेंटिटी के लिए, जो कि ज़्यादातर विमेन में मैं आज देखती हूँ। इन 20-22 सालों के करियर में मैंने देखा है बहुत सारी, हजारों विमेन से मैं मिली हूँ, उनसे मैंने बात की है, और उनको अपनी आइडेंटिटी के लिए तड़पते हुए, सिसकते हुए, और उसको पाने की जो एक जुझारूपंथी होती है उसके लिए मैंने उनको देखा है। वो मेरे अंदर भी था कहीं ना कहीं, मैं चाहती थी कि लाइफ में मेरा अपना एक मुकाम हो, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करूँ, और मेरे फाइनेंशियल्स के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। दैट वॉज माई थिंग, बहुत अच्छी फैमिली से आई, बट क्या देखती थी कि वहाँ पर मदर वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फादर,
उनको कोई भी चीज़ अपने लाइफ में करनी होती थी तो फादर से पूछना पड़ता था, उनसे बात करनी पड़ती थी, एंड देयर वर मेनी थिंग्स जो मुझे अट्रैक्ट करती थी. मुझे लगता था कि मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे बिजनेस वुमेन बनना है. जॉब मेरे माइंड में कभी भी नहीं था, बट यस इंडिपेंडेंट होना चाहती थी. बहुत बार मैंने इसके बारे में सोचा भी कि मैं बिजनेस साइड जाऊं या जॉब साइड जाऊं. तो जब मैं अपने आप को जॉब साइड फ्रेम में रख के देखती थी तो मेरे अंदर से सवाल आता था कि जितना जॉब में आता है उससे मेरे एम्बिशन कैसे पूरे होंगे. बिकॉज आई वॉज ड्रीमर, आई वॉज ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, घूमना फिरना चाहती थी, एक लग्जरी लाइफ चाहती थी, यू नो लग्जरी गाड़ियाँ हों, घर हों, बच्चों के लिए फ्रीडम हो. एंड आई एम नॉट बाउंड टू डू कि मुझे घर में किचन देखनी है या मुझे सिर्फ बच्चे देखने हैं. मेरे पास उस सब की फैसिलिटी हो, मैं अपनी हॉबीज़ को एनहेंस कर पाऊँ. साथ ही साथ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूँ तो आई एम नॉट बाउंड फॉर 9 to 5 और 9 to 7 और समथिंग. आई वॉज लुकिंग कि मेरा टाइम मेरे हिसाब से हो. मंडे मॉर्निंग मैं वो करूँ जो मैं करना चाहती हूँ, वेडनेसडे इवनिंग मैं वो करूँ जो मैं करना चाहती हूँ. मेरे पास ये बंधन नहीं हो. मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचती थी कि पैसा इतना होना चाहिए कि मुझे किसी चीज़ के लिए टैग के लिए देखना नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े. तो दीज वर द थिंग्स. तो ये सब चीज़ें मेरा भी कंसर्न था. एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के पीछे रीज़न एमवे अपॉर्चुनिटी का एक यूनिक स्टाइल था. मैंने जो देखा था वो दो चीज़ें देखी थी, या तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस देखा था या फिर मैंने जॉब प्रोफाइल्स के लोग देखे थे. तो जॉब प्रोफाइल में मेरा मैच सूट नहीं करता था, बट बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 24 इयर्स बैक, तो उस समय इंडस्ट्रियल इरा था और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होती थी और बहुत ज़्यादा वुमेन्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी. तो मैं अपनी जगह फिट इन नहीं कर पा रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आई एम गोइंग टू मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाऊंगी या मैं कोई फैक्ट्री लगाने वाली हूँ या मैं कोई शॉप का बिजनेस करूँगी एंड सो ऑन. मेरा माइंड यस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था, बट ये वर्ड मुझे इस बिजनेस में आने के बाद मैंने लर्न किया. मुझे लगता था मैं किस तरह से इस बिजनेस उसमें फिट होंगी. ऐसे बहुत सारे सपने देखते हुए हजारों लाखों वुमेन जो मिडिल क्लास या रिच क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं, मे बी देयर रीजन इज मनी, मे बी देयर रीजन इज टाइम, मे बी देयर रीजन इज नॉट मनी एंड टाइम एंड देयर इंडिपेंडेंसी, देयर फ्रीडम एंड सो ऑन. बट वो सपने कैसे आप एक ट्रैप में फंसते हो, कैसे आप एक फैमिली यू नो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हो, कैसे धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाते हैं और धीरे धीरे यू आर बाउंड टू डाई देम. आप अपने सामने ही मरते हुए नहीं देखते हो. जब आप फैमिली स्ट्रक्चर में आते हो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आपको समझ नहीं आता है. मे बी यू आर रिच विद मनी, बट आपको समझ ही नहीं आता है कि कैसे आप उस मनी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और अपने टाइम को सेव करें, अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज को एनहेंस करें, अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर अपने तरीके से जिए. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके कारण मेरे को एमवे बिजनेस का ये जो यूनिक फॉर्मूला था ये बहुत पसंद आया. जब मैंने बिजनेस में आई तो अनुराग ऑलरेडी एमरल्ड क्वालिफाइड थे, फाउंडर एमरल्ड थे इवन. बहुत अच्छा पैसा वो बना रहे थे उस समय में और हम लोगों की शादी हुई. जस्ट टू मेक द स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा सा बात करूँगी इवन यंगस्टर को लेकर, इवन वुमेन्स को लेकर. बट वहाँ से जब हमने शुरुआत की तो मुझे जो यूनिकनेस लगी वो ये कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बिल्ड करते हैं बिजनेस. वो सिर्फ घर या घर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस नहीं करते, वो बिजनेस आस्पेक्ट को भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के रियल फ्रेंड बनते हैं, एक्चुअली रियल पार्टनर्स बनते हैं. उनकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाती है. वो अपने बिजनेस के अराउंड अपने फैमिली स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से अपनी लाइफ को लीड करते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं और कपल्स को देखकर आई वॉज लर्निंग, मुझे अच्छी लग रही थी, रिकॉग्निशन दिख रहा था. अनुराग जैसे मैंने बोला फाउंडर एमरल्ड थे तो ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, वो घूमने फिरने के लिए इंटरनेशनल नेशनल सभी जगहों पर जा रहे थे. वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी. पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बात करती थी मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही वॉज ऑलवेज फ्री टू यू नो कि तुमको जो चाहिए गो एंड बाय. वाई आर यू आस्किंग मी, वाई यू आर टॉकिंग टू मी, तुम मुझसे पूछ ही क्यों रही हो. बट वो सब केमिस्ट्री मेरे लिए टोटल नहीं थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. अपार्ट फ्रॉम दिस यू नो शादी से पहले भी मैं रिच थी, शादी के बाद भी मैं रिच थी,
बट देर वॉज द डिफरेंस. वहाँ पर हमें पापा के ऊपर डिपेंडेंट थे हम, उनसे हमें पूछना पड़ता था, उनकी उनकी टाइम अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती थी और उसके हिसाब से हम इंडिया में ही एक दो बार कहीं घूमने गए, स्पेशली ये उत्तराखंड साइड, नैनीताल, मसूरी एंड सो ऑन, बिकॉज उनको इतना ही टाइम मिल पाता था. तो पैसा था बट फन नहीं था या फ्रीडम नहीं थी बिकॉज ऑफ द जो भी बिजनेस का स्ट्रक्चर था. यस, उन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया, कभी फोर्स नहीं किया कि आप इस बिजनेस में डिसीजन लो, आपको यही बिल्ड करना है, दिस इज योर चॉइस, यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बिजनेस एज ए हजबैंड वाइफ पार्टनर और यू वॉन्ट टू डू एनी जॉब और एनी अदर ट्रेडिशनल बिजनेस, दिस इज योर चॉइस. मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि हम दोनों ने साथ में MBA किया था, क्वालिफाइड MBA थे और दोनों की अपनी एक डिसीजन मेकिंग थी. बट इस बिजनेस के डे टू डे थिंग से मैं इतना अट्रैक्ट हुई एक साल में कि आई हैड डिसाइडेड कि मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है. यस, बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, बहुत ज़्यादा समझती भी नहीं थी उसकी, इस बिजनेस की जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी सब कुछ नया था. बट थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू द बिजनेस, थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी जिसने मुझे हेल्प किया, स्पेस दिया धीरे धीरे लर्न करने का, एंड थैंक्स टू अनुराग टू बिकॉज उन्होंने फोर्स नहीं किया बट उन्होंने मेरे लिए वो स्पेस जनरेट किया और मुझे धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में फिट इन होने में मदद की जहाँ से मैंने इस बिजनेस को लर्न किया. फर्स्ट फेज मेरी लाइफ का ये था. यस, मैं भी बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से थी, हम्बल इन दैट सेंस कॉलेज लाइफ से, विदाउट डूइंग एनी अदर एक्सपीरियंस, विदाउट हैविंग एनी अदर एक्सपीरियंस, लाइक कोई जॉब नहीं किया, इंटर्नशिप की थी जैसे सभी MBA स्टूडेंट करते हैं बट मैंने कोई जॉब नहीं किया, कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने ट्राई नहीं किया, कोई और चीज़ नहीं की, सिंपल कॉलेज टू मैरिड लाइफ और स्ट्रेट अवे टू द बिजनेस. बट मेरे लिए फिट इन होना इजी था बिकॉज शायद मुझे बहुत ज़्यादा मार्केट की या बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं थी. तो ड्रीम बहुत बड़े थे जो कि सभी यंगस्टर्स के होते हैं, हमेशा ड्रीम में रहते हैं, उड़ना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं. यस, तो उसको वो मेरा फ्लाई इसमें चल रहा था एंड उसको करते करते देन आई वॉज लर्निंग एंड बिल्डिंग द बिजनेस. जो अनुराग बोलते थे या जो मैं मीटिंग फंक्शंस में सुनती थी, जहाँ भी हम लोगों के साथ जाते थे, वन टू वन मीटिंग करते थे, वो सब मुझे चीज़ें अच्छी लगती थी. फैमिली टू फैमिली कल्चर, सब लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ग्रोथ की बात हो रही है, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई लेग पुलिंग नहीं, कोई नेगेटिव थिंग नहीं, विच वॉज डिस्टर्बिंग मी बिकॉज आई वॉज वेरी शाई गर्ल और मैं बहुत इंट्रोवर्ट भी थी. तो मुझे अपने खुलने के लिए एक स्पेस चाहिए था एंड आई न्यू माई नेचर, मैं नेगेटिव एनवायरमेंट में फ्लरिश नहीं कर सकती थी. तो दैट वॉज अ रीज़न आई लाइक दिस बिजनेस. एंड उसके बाद आफ्टर 3-4-5 ईयर्स के बाद वी प्लान्ड अवर फर्स्ट बेबी और मेरा पहला बेबी, मेरा बेटा ऋत्विक, वो हमारी लाइफ में आया. और दैट वॉज द फेज जब मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया. बट द बेस्ट पार्ट इज दिस वॉज नॉट ओनली माई ब्रेक, ये एज ए वीमेन सिर्फ मैंने ब्रेक नहीं लिया जो कि ज़्यादातर वीमेन्स के साथ होता है. थैंक्स टू द अपॉर्चुनिटी जिसके कारण हमें ये मालूम था कि हम फिजिकली इसमें से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं. तो मैंने और अनुराग ने 8-9 महीने की छुट्टी ली ऑलमोस्ट और हमने अपने फर्स्ट बेबी के फर्स्ट 8-9 मंथ्स इंजॉय किया. आई रिमेंबर फर्स्ट बात मेरे फर्स्ट बेबी को अनुराग ने कराया, फर्स्ट नाइट ही केप्ट हिम एंड ही आई थिंक ही इंजॉयड हिज फर्स्ट 9 मंथ्स लाइक एनीथिंग, जो कि सभी फादर का राइट होना चाहिए बट बिकॉज ऑफ द लाइफ, बिकॉज ऑफ द मैनी थिंग्स लोग नहीं कर पाते. इन दैट वे ही इज ब्लेस्ड. धीरे धीरे आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद एक सेकेंड फेज आया और उसमें मेरी सेकेंड बेबी हुई. तो आप समझ सकते हो दोनों बच्चे छोटे, एक 2 साल 2.5 साल का और सेकेंड बेबी, उसके साथ लाइफ को बैलेंस करते हुए बिजनेस बिल्ड करना सिर्फ और सिर्फ इसी अपॉर्चुनिटी में पॉसिबल है. बिकॉज मैंने 24 सालों में इतनी विमेन से बात की है, वर्किंग, नॉन वर्किंग, ट्रेडिशनल बिजनेस से कनेक्टेड. एवरीबडी यूज टू से कि निधि जब वो फेस आता है तो डेफिनेटली लाइफ में एक बड़ा ब्रेक आता है और जिसके कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग अपने करियर को ड्रॉप कर देते हैं परमानेंटली बिकॉज वापस से ट्रेडिशनल बिजनेस में या जॉब में जाना नेक्स्ट टू पॉसिबल हो जाता है. दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज मैनी थिंग्स, बच्चों की छोटी बड़ी चीज़ें. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, पहले मुझे लगता था कि शायद छोटे बच्चों को ब्रिंग अप करना टफ होता है बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया मुझे समझ में आने लगा कि बच्चे इफ दे आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ दे विल टेक योर टाइम. तो एक अच्छा बैलेंस
एक अच्छा बिजनेस आपको वो बैलेंस दे सकता है, स्पेशली ये अपॉर्चुनिटी ये बैलेंस दे सकती है कि दोनों को आप मिक्स करते हुए बिजनेस भी बिल्ड करें, फैमिली का भी टेक केयर करें, एंड द बेस्ट पार्ट शो बाय एग्जांपल आप अपने बच्चों को जो मॉरल्स देना चाहते हैं, जो गोल्स देना चाहते हैं, जो लाइफ में ड्रीमर बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले उनकी लाइफ की शुरुआत, उनका जो चैप्टर है, लर्निंग है, जो गुरुकुल है, वो है उनका अपना घर, जो कि हमारे बच्चों के साथ शुरू हुआ। उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा एम्बिशियस, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, दे आर प्रोडक्टिव, दे आर मैनेजिंग मेनी थिंग्स टुगेदर, और सोशली भी, बिजनेस वाइज भी, फैमिली वाइज भी, वी आर ब्लेस्ड, वी आर रिच। सो हमने इस तरह से इस बिजनेस को किया। जब मेरी बेटी 3 साल की हुई, उसके बाद सेकेंड फेज मेरी लाइफ का आया, इधर बच्चे मैनेज हो रहे थे, बिजनेस चल रहा था, और फिर हमने नेक्स्ट लेवल पर फाइट की और बिजनेस में आगे स्टेप इन किया। धीरे धीरे बिल्ड करते हुए आज 20-22 साल हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, डेफिनेटली दे आर ऑल्सो इन्जॉइंग दिस जर्नी, दे आर द पार्ट एज ए फैमिली, दे आर इन्जॉइंग अवर बिजनेस करियर। वो फ्रस्ट्रेट नहीं है, वो परेशान नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं है, उन्हें कोई फीलिंग नहीं होती कि दिस इज काइंड ऑफ इम्बैलेंस, मम्मा इज ऑलवेज आउट और पापा इज ऑलवेज आउट और समथिंग। दे नो व्हेनेवर दे नीड अस वी आर देयर, दे नो उन्हें जो चाहिए, उन्हें स्ट्रगल भी पता है और उन्हें सक्सेस भी पता है, उन्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना भी उन्होंने देखा है, स्ट्रगल पार्ट भी देखा है। तो एवरीथिंग दे आर लर्निंग, एंड द बेस्ट पार्ट, दे आर ग्रोइंग विद द राइट माइंड सेट, दैट इज आवर यू नो रियल एसेट, मैं इसको बोलूंगी। और अब लाइफ में कुछ बड़ा करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज बच्चे भी अब हमारी बैकबोन बन गए हैं, दे आर ऑल्सो आवर राइट एंड लेफ्ट हैंड, और उनके साथ हम नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। आइडिया ये नहीं है कि अनुराग और निधि ने क्या किया, आइडिया ये है कि एक यंग कपल, उसने अपनी लाइफ को किस तरह से प्लान किया या क्या सोचा, क्या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो उस डायरेक्शन में आपको लेकर जा सके, क्या कोई रास्ता ऐसा है जहां आपकी मंजिल हो और उसी रास्ते के ऊपर आप चल पड़े। सबसे पहले लाइफ में मंजिल का पता होना बहुत जरूरी होता है, उसी हिसाब से आप अपना रास्ता चुन सकते हैं। बट यस, डिफरेंस क्या है, बहुत सारी विमेन आज भी मुझसे पूछते हैं, निधि हम भी वर्किंग है, हम भी काम करते हैं, हम भी अपनी लाइफ को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अस। सो आई यूज टू से, मैं अपनी लाइफ को 360 डिग्री एंगल से एंजॉय कर रही हूँ, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग, मैं अपना वुमेनहुड एंजॉय कर रही हूँ, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ मोर देन द जेंडर, यू नो आई एम एक्सप्लोरिंग माय हॉबीज, आई एम एक्सप्लोरिंग माय लाइफ लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। आई एम प्राउड टू बी अ बिजनेस एम्बे बिजनेस ऑनर, बिकॉज इस बिजनेस ने मुझे जो कॉम्बिनेशन दिया है, इसमें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, देन टाइम एंड देन मनी, और इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन मुझे एमवे अपॉर्चुनिटी ने दिया है, उसने मेरी लाइफ को फुलफिल किया है, मुझे अपने मुकाम तक पहुंचाया है, और अभी तो यहां से, जैसा कि अनुराग बोल रहे हैं, हमारे बिजनेस की शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो उन हजारों लाखों विमेन्स को, उन यंगस्टर को बुलाना है, उनको बताना है कि दिस इज द प्लेस जहां से आप अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे सकते हो, अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट पेज पे लेके जा सकते हो और लाइफ को फुलफिल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंसफुली, एंड आई एम प्राउड ऑफ एमवे बिजनेस ओनर, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ मिला होगा, लेकिन हम लोग एक्साइटेड हैं सुनने के लिए आपकी स्टोरी, और वो स्टोरी कब बनेगी, जब आप लाइफ में कुछ करके दिखाएंगे। याद रखिएगा, उन स्टोरी को सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है जिस स्टोरी में कोई सक्सेस नहीं है। एमवे और एमवे गुरुकुल, ये दोनों आपके लिए हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ को एक हीरोइक लाइफ में बदल सकते हैं। सो आइए इस लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।